दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं होंडा की सिटी है, 2012 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। हमने एसी चालू रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसी का बटन ऑन है, लेकिन बट कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 15.1 पे आया अभी, यानी इसका कूलिंग बहुत कम हो रहा है, कूलिंग हो ही नहीं रहा है। लगभग काफी टाइम से चालू रखा हूं तो इतना कूलिंग हो रहा है। तो इसका हुआ क्या है, चलो मैं आपको बाहर दिखा देता हूं क्या हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15.1 पे काफी टाइम से है अभी भी, जो कि 7-8 तक कूलिंग आना चाहिए। तो चलो मैं आपको बाहर दिखा देता हूं कि इसका हुआ क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है और कंप्रेसर भी अपना ऑन है, देख पा रहे हैं इंजन चालू है। मैं इसमें जरा एडप्टर लगा देता हूँ, लो वाली एडप्टर। मैं फिटिंग कर लगा लेता हूँ, फिर आपको वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाई वाला मैं लगा दी हूँ इधर, और लो वाला भी लगा दी। आप गैस देख लीजिए, गैस ना के बराबर है, इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही थी। तो चलो हम इसमें गैस कूलिंग कर देते हैं। तो हो रहा लगभग 200-150 ग्राम गैस मार देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 200 ग्राम गैस मार दिया। अब चलो हम अंदर कूलिंग टेम्परेचर चेक करते हैं, कूलिंग कितना हो रहा है। देख पा रहे मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं और अपना गाड़ी चालू है और एसी भी चालू है, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 6.2 पे, यानी कूलिंग टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, आपको क्या मतलब आपको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर गैस कम हो जाए तो गैस टॉपअप करके दे देना चाहिए, या फिर लीक टेस्ट करके ही गैस भरना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज देखिए, अब कूलिंग टेम्परेचर 4.9 पे आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।